हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय प्रमेय नंबर 3 देखेंगे। पहले प्रमेय क्या है उसको मैं पढ़ लूं। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हमने अभी वृत्त बनाया है, पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बारी बारी से बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करते हैं। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण क्रमशः बराबर होते हैं। सबसे पहले इसका मतलब हम लोग समझ लें कि क्या इसका मतलब है। पहला काम है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, पहले हम एक वृत्त हो गया, वृत्त के स्पर्श बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींच दें। ये हो गया स्पर्श रेखा। यहां P जो है स्पर्श बिंदु है और इसको हम नाम दे दें PAB, इसको और हम छोटा ही कर देते हैं PAB। इसके बाद स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए। अब कहना क्या है कि इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा वृत्त के अंदर खींचनी है, चाहे हम इस तरफ खींच दें चाहे इस तरफ। मैं खींचने जा रहा हूं इस तरफ एक जीवा खींच दे, स्पर्श बिंदु से होते हुए जाए। ये थोड़ा सा ये हो गया, ये जीवा हम ले लें PQ। ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, इसका नाम हम रख दें AB और स्पर्श रेखा जो है उसको PQ कर देते हैं। ऐसे एक वृत्त है के स्पर्श बिंदु यानी A से एक जीवा खींची जाए, ये हमने जीवा खींच दिया, द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण। इस जीवा द्वारा इस स्पर्श रेखा के साथ देखिए दो प्रकार से कोण बनेंगे, एक कोण ऐसा बन रहा है ना, जीवा और स्पर्श रेखा के साथ ऐसा कोण बन रहा है, और एक कोण इस तरह का बन रहा है, ठीक है ना। दो प्रकार के कोण बन रहे हैं, बनाए गए कोण यानी इस जीवा और स्पर्श रेखा के साथ इस तरफ ये कोण बन रहा है और इस तरफ जो है ये कोण बन रहा है। तो कह रहे ये जो कोण बन रहा है संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण क्रमशः बराबर होते हैं। अब ये जो कोण है एकांतर खंड का मतलब कि इस जीवा के इस तरफ वृत्त में जो कोण ये जीवा बनाएगा, यह जीवा इस कोण के अतिरिक्त, ये जीवा और ये स्पर्श रेखा इधर कोण बनाए है ना, तो इस जीवा के इस वृत्त खंड में एक इधर वृत्त खंड बनेगा, एक इधर वृत्त खंड बनेगा, तो इस वृत्त खंड में क्योंकि कोण इधर बना है ना, तो इस वृत्त खंड में जो कोण बनेगा उसको बना देते, मान लेते हैं एक बिंदु इसमें सी है और इसमें मान लेते हैं एक बिंदु डी है, तो इसको दूसरे कलर से करें तो ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो सही रहेगा। रेड से तो इसको मिला दें,
इसको मिला दें, और इसको मिला दें, तो ये जो कोण बना, ये कोण इस कोण के बराबर हमको सिद्ध करना है। यह कोण बराबर हो ये सिद्ध करना है। और दूसरा, दूसरा ये कह रहा है, अब इसको मिला है, इसको मैं दूसरे कलर से मिला दे रहा हूं, दूसरा ये इस बिंदु को बी, जो जीवा के शीर्ष हैं बी ए और बी, उनको इस कोण से मिला दीजिए। यहां और तो ये जो कोण बना, यहां पर जो कोण बना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये जो दो लाइन इधर है, ये दो लाइन है, इस दो लाइन वाले के बराबर होगा। ये दिखाना है कि बराबर होना चाहिए, है ना। यह कोण इस कोण के बराबर दिखाना है। एकांतर खंड का मतलब हुआ कि ये जीवा के इस तरफ जो कोण बना है, वृत्त खंड में जीवा के इस पार का जो कोण है, और जीवा के इस पार का जो कोण है वृत्त खंड के उस भाग में जो कोण बना है। एकांतर खंडों का मतलब यह, संगत एकांतर खंडों का मतलब जीवा के इस पार का कोण वृत्त खंड के उस भाग में बने कोण के बराबर हो, ये दिखाना है हमको। तो शुरुआत करने के लिए हम लोग एक रचना करेंगे, रचना मैं काले से कर रहा हूं। एक मान लेते हैं ये व्यास, ये केंद्र है, केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींचे व्यास, ये डॉटेड रहेगा, ये चूंकि हमारा रचना में है इसलिए हम इसको डॉटेड करेंगे। और ई को ए और बी यानी कि जीवा के दोनों सिरों से मिला दिए इसको। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी अभी तक हम लोग क्या क्या किए। वृत्त खींचे, उसके बाद स्पर्श रेखा पी क्यू खींचे जिसका स्पर्श बिंदु ए है, ठीक है, स्पर्श बिंदु ए है। अब ए स्पर्श बिंदु ए से वृत्त के अंदर एक जीवा खींचा ए बी, एक जीवा ए बी खींचा। अब ए बी के, ए बी जो है इस वृत्त को दो भागों में बांट देगा, एक भाग ये नीचे का लघु वृत्त खंड और एक भाग ऊपर का दीर्घ वृत्त खंड। और हमको दिखाना है कि इस जीवा और स्पर्श रेखा के साथ ये जो कोण बन रहा है दीर्घ वृत्त खंड में बने कोण के बराबर हो, और ये जो बड़ा कोण बनेगा लघु वृत्त खंड में बने कोण के बराबर हो। एकांतर वृत्त खंड के कोण संगत एकांतर खंडों में बने गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं, ये हमको दिखाना है। ये ई और ए केंद्र से जाती हुई रेखा यानी व्यास खींचा, और व्यास जब खींचा और ई को बी से जब मिला दिया तो ये क्या हो गया, देखिए जब व्यास है ये तो ये अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो वहां पर जो कोण ई बी ए बनेगा वो 90 अंश का होगा। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा देखिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रमेय सिद्ध करने के लिए चार पॉइंट होते हैं मस्ट। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना। रचना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा जरूरत हो। अगर इसमें कुछ अलग से, जैसे जो दिया हुआ है उसके अलग से अगर हमको कुछ करना हो तो वह रचना पार्ट में आएगा। अगर रचना नहीं करना है, सीधे सीधे जो दिया है उससे अगर हो जा रहा है तो हमारा रचना वाला पार्ट नहीं रहेगा, लास्ट में है हमारा उत्पत्ति, ये जरूर रहेगा। यानी कि ये तीन पॉइंट तो जरूर रहेगा, अगर रचना जरूरत महसूस हुआ तो रचना भी रहेगा। तो दिया है में जो जो इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या क्या दिया है। वृत्त दिया है, स्पर्श रेखा दिया है, स्पर्श बिंदु हो गया, और जीवा दिया है, ठीक है ना, इतना चीज तो दिया है।
क्या क्या दिया है देखिए, पी क्यू, पी क्यू वृत्त सी ओ आर, इसको हम बताए थे कि सी वृत्त सी जिसका केंद्र ओ और त्रिज्या आर है, पी क्यू वृत्त सी ओ आर के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, PQ क्या है, स्पर्श रेखा है और बिंदु A पर स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक है। AB, AB वृत्त की जीवा है, ये जो चीज दिया है उसको लिखना है, बस स्पर्श रेखा दिया है, जीवा दिया है और वृत्त दिया है के साथ बनाए गए कोण। अब इनके साथ के साथ वृत्त ए बी वृत्त की जीवा है और इस जीवा के साथ इस जीवा का स्पर्शी के साथ बने कोण, कोण भी कह रहा है इस रेखा के साथ बनाए गए कोण, तो बने कोण कौन कौन से होंगे, बी ए क्यू, बने कोण बी ए क्यू तथा इधर बी ए पी होगा, पी है इतना, ये तो इतना चीज तो दिया है, ये चीज दिया है, सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण बी ए क्यू कोण बी सी ए के बराबर होगा, सिद्ध करना है कोण बी ए क्यू बराबर कोण बी सी ए तथा अब कोण बी डी ए बराबर कोण बी ए पी, ये इतना हमको सिद्ध करना है। रचना क्या करेंगे, ए ओ ई व्यास खींचा और ई को बी से मिला देंगे, ये चीज जो डॉटेड की है रचना वाला है तो क्या खींचेंगे, ए ओ ई व्यास खींचा तथा ईबी को मिलाया, ये तो रचना वाला पार्ट हो गया। अब उपपत्ति, असली काम अब हमारा हो गया, अब हमको क्या क्या करना है, इसका और इसका सहयोग लेना है, इन दोनों के सहयोग से ये सिद्ध करना है हमको। तो देखिए ये ई बी ए अर्धवृत्त का कोण है तो 90 अंश होगा, या हम ऐसे सिद्ध कर दें त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में कोण कोण ए ई बी, ए ई बी और प्लस ई ए बी प्लस कोण ई ए बी बराबर 90 अंश, क्योंकि चूंकि कोण ई बी ए चूंकि ऐसे 90 अंश, ये 90 अंश क्यों होगा, यहां पर लिख देंगे अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त का कोण, ये हो गया। अब
एक ये हो गया हमारा, इसका यूज पड़ेगा। अब हमको करना क्या है, देखिए कोण ई ए बी प्लस कोण बी ए क्यू, कोण ई ए बी प्लस कोण बी ए क्यू बराबर, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है तो लंबवत होगा 90 अंश का, इसको हम लिख देंगे प्रमेय से। नहीं अभी अभी नहीं, ये बराबर कितने का होगा, बराबर ई ए बी प्लस बी ए क्यू जो है ई ए क्यू के बराबर होगा, कोण ई ए क्यू। अब इसको हम लिख देंगे 90 अंश, 90 अंश क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, प्रमेय से लिख देंगे यहां पर, ये हो गया। अब हमको ये लेना है ई ए बी की जगह हम ये रख दें। अब ई ए बी को हम उधर ले जाएं तो हमको मिलेगा कोण बी ए क्यू बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ई ए बी, और 90 डिग्री माइनस कोण ई ए बी की जगह हम 90 माइनस दिस कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस कोण ए ई बी, तो इसको जब खोलेंगे तो हमको मिलेगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस कोण ए ई बी, ये कट गया तो हमको मिल गया कोण बी ए क्यू बराबर कोण ए ई बी। कोण बी ए क्यू बराबर कोण हो गया ए ई बी, यानी कि इस कोण के बराबर हो गया, यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। और हम प्रमेय से जानते हैं कि ये देखिए ए बी रेखा जो है इस वृत्त को दो भागों में बांटी है, तो ये दीर्घ वृत्त खंड हो गया, ये लघु वृत्त खंड हो गया इधर का, तो एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसका मतलब हो गया कि कोण बी ए क्यू बराबर कोण ए सी बी बी सी ए बी सी ए, ये हमारा हो गया एक प्रमेय, एक भाग सिद्ध हो गया ये भाग। अब दूसरे भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए हमको क्या करना है, देखिए ये ए डी बी सी चार बिंदु हैं जो वृत्त पर स्थित हैं, तो इन चारों बिंदुओं के द्वारा वृत्त पर जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण यानी कि ये और ये कोण जोड़ दे आमने सामने के कोण तो 180 अंश होगा, या इसको और इसको जोड़ दे ये कोण तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो कहने का मतलब कि कोण ए सी बी प्लस कोण बी डी ए बराबर 180 अंश, यहां पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी में, पुनः चक्रीय चतुर्भुज ए डी बी सी में क्या होगा, कोण ए सी बी, ए सी बी या कोण बी सी ए करें, कोण बी सी ए प्लस कोण बी डी ए बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण बी सी ए बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं कोण बी ए क्यू, इसकी जगह लिख दे कोण
बी ए क्यू प्लस कोण बी डी ए बराबर 180 डिग्री। तो अगर कहीं बी ए क्यू को उधर ले जाएं, कोण बी डी ए बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी ए क्यू। अब देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री में बी ए क्यू घटा रहे हैं। ये देखिए पूरा स्पर्श रेखा जो है पूरा यहां पर 180 डिग्री बनाएगा, यहां पर पूरा यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना पूरा। अब 180 डिग्री में अगर ये निकाल देते हैं, बी ए क्यू को निकाल देते हैं, ये भाग निकाल देते हैं, तो बचेगा क्या, ये भाग बचेगा, है ना, यही वाला भाग बचेगा, और ये क्या है, कोण बी ए पी है। तो इसके जगह हम कोण बी ए पी लिख सकते हैं, यहां पर हो गया कोण बी डी ए बराबर कोण बी ए पी। बस यही सिद्ध करना था।